वेलकम टू स्टेप अप। आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 10 जुलाई 2018। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कैसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये कॉर्नर का आर्टिकल मॉब लिंचिंग के बारे में है। आर्टिकल बताता है कि अभी कुछ लोगों को मॉब लिंचिंग के केसेस में अरेस्ट किया गया था, उनका कन्विक्शन अभी चल ही रहा है, लेकिन कोर्ट में उनकी बेल होने के बाद जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी बिलोंग करते हैं, उनकी कुछ फोटोग्राफ्स खींची गई जिसमें वो लोग उन कन्विक्टेड पर्संस को मालाएं पहना रहे थे। तो आर्टिकल इस बात को क्रिटिसाइज करता है, बोलता है कि ये हमारी सोसाइटी में एक गलत मैसेज है। अगर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे लोगों को प्रेस कर रहे हैं या उनके सपोर्ट में हैं, तो डेफिनेटली हमें इन घटनाओं को रोकने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पर एक पॉलिटिकल विल की कमी देखने को मिल रही है ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए। यहाँ पर ये सेंटर में आर्टिकल पाकिस्तान की इंटरनल बातों के बारे में है, इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चेताया है, कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं हेल्थ के संबंध में। तो आइए देखते हैं कि ये आर्टिकल क्या है और इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। इस पेज पर ये आर्टिकल CGI की पावर्स के बारे में है कि क्या उनके पास ये अधिकार है संपूर्ण रूप से कि वो डिसाइड करें कि कौन सा केस किस कोर्ट के पास जाएगा, किस बेंच के पास जाएगा या फिर नहीं। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस के बारे में है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशन बैचेस अनाउंस्ड हो चुकी हैं। जो नई बैचेस हैं वो इंग्लिश मीडियम में 12 जुलाई 2018 से हैं और बैच इंटरनल सिक्योरिटी के साथ स्टार्ट होगी। इस बैच को कंटिन्यू करेंगे RP सिंह सर, जबकि हिंदी मीडियम में जो बैच है वो भी आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी से ही लॉन्च है, लेकिन उसकी डेट 16 जुलाई 2018 है और इस बैच को स्टार्ट किया जाएगा अजय मिश्रा सर के द्वारा। तो अगर कोई भी है ऐसा जो कि इंटरेस्टेड है, इन बैचेस में ज्वाइन करना चाहता है या फिर आपके आसपास कोई है, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। बाकी फर्दर डिटेल्स आप इन बैचेस के बारे में चाहते हैं तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी ये बातें ऑनलाइन पर्सनल गाइडेंस के बारे में है, आप इनके बारे में अवेयर हैं। जब आप फाउंडेशन बैच में जाते हैं तो ये प्रोग्राम आपके उस फाउंडेशन बैच के प्रोग्राम का हिस्सा होता है। बाकी आप इस प्रोग्राम को सेपरेटली भी ले सकते हैं जिसमें आपके एक एक्सपीरियंस कोच होते हैं जो आपकी तैयारी करवाते हैं। इंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज इस प्रोग्राम का हिस्सा होती है। अगेन फर्दर डिटेल्स के लिए इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करेंगे जो स्लाइड में नीचे की ओर दिख रहे हैं। ऐसे राइटिंग में देखते हैं आज हमारे पास क्या है। द होल इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट। देखिए, जब भी कुछ छोटे छोटे हिस्से होते हैं और जब आप इनको एक कंप्लीट पार्ट में कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा ये एक उसके छोटे हिस्से से बड़ा कैलकुलेशन होता है। तो आप इसका इस्तेमाल कई तरीके से सिंबोलिज्म के तौर पे कर सकते हैं कि हम छोटी छोटी गवर्नमेंट स्कीम चलाते हैं, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेते हैं, लेकिन जब उनका आउटकम निकलता है ओवरऑल तो वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो अरिस्टोटल का स्टेटमेंट कोटवर्दी है, आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। फैक्ट, अगर आप इंडिया के बारे में एक यहाँ पर जानना चाहें तो देखिए, इंडिया इज क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंड मदर ऑफ लीजेंड्स एंड ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन। जो भारत है यही से ह्यूमन रेस का एक वास्तविक जन्म माना जाता है, बर्थ प्लेस है ये ह्यूमन स्पीच की। कई सारी ऐतिहासिक घटनाओं का जन्म भारत से ही है, बहुत सारे लीजेंड्स इंडिया में पैदा हुए हैं और बहुत सारी परंपराओं का उद्गम भी भारत से ही है। दुनिया की जो बहुत ही वैल्यूएबल और इंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स हैं हिस्ट्री के, वो भी इंडिया में बहुत लंबे समय से संचित हैं, सुरक्षित हैं और जिन्हें भारतीय सभ्यता के तौर पर आगे भी बढ़ाया जा रहा है। तो भारत के बारे में अगर आप कुछ अच्छी बातें लिखना चाहते हो तो ये लाइनें आपके काम आ सकती हैं जिनका आप इस्तेमाल अपनी समझ के हिसाब से सही जगह पे कर सकते हैं। तो आइए पहला आर्टिकल देखते हैं, किंग ऑफ द कोर्ट। पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट हैज लेट गो ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू इम्यूनाइज द एलोकेशन ऑफ केसेस। केसेस के एलोकेशन पे बात की जा रही है, तो आइए डिटेल से देखते हैं। देखिए, चीफ जस्टिस का क्या रोल होना चाहिए, वो मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं या फिर नहीं है, वो अपनी मर्जी से केसेस को एलोकेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये मुद्दा तब ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया था जब 4 सीनियर मोस्ट जजेस मीडिया के सामने आते हैं और अपने कंसर्न को रेज करते हैं। उनके कंसर्न कई सारे मुद्दों पर थे, जैसे कि सेंसिटिव केसेस का जो एलोकेशन है वो बड़ी बेंचेस के पास नहीं जा रहा है और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपने मनमाने तरीके से केसेस का एलोकेशन कर रहे हैं, और सबसे कंसर्निंग मुद्दा जो था वो CBI जज जस्टिस लोया के संबंध में था। देखिए, पूरा इशू क्या था, 4 सीनियर मोस्ट जज आफ्टर CJI, इनमें नाम है जस्टिस जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर और कुरियन जोसफ। 2018 के जनवरी महीने में इन चारों जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उसमें इन्होंने जो इंटरनल रिफ्ट जुडिशरी में चल रही थी उस पर अपने कंसर्न रेज किए। 5 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर इनके कंसर्न थे, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं CJI
उन्हें अपने मनमाने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और सीनियर जजेस को वो केसेस नहीं दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर ऐसे केस थे जो कि नेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन उनका एलोकेशन चीफ जस्टिस के द्वारा सेलेक्टिवली अपने मनमाने तरीके से और अपने प्रेफरेंस के बेंचेस को किया गया, जिसका कोई भी रैशनल लॉजिक नहीं था। तीसरी बात, मेडिकल कॉलेज का जो केस था जिसमें जो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे उनके ऊपर भी कुछ एलिगेशंस थे, उसे कोर्ट नंबर 7 को सौंप दिया गया। जो केस पहले जस्टिस चेलमेश्वर के पास था, इस पर भी उनके कंसर्न थे। इसके अलावा चार जजेस ने यह भी कहा, रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ सीजीआई टू हैड अ स्मॉल बेंच। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का एक केस था जिसमें जजेस की जो रिक्रूटमेंट होता है, उनका अपॉइंटमेंट होता है, उसके संबंध में एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर गवर्नमेंट को सौंपा गया था जिस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था। बाद में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस केस को अपने अंडर में ले लिया और अब इसे इसके बाद दो जजेस की बेंच सुन रही थी। इस पर भी कंसर्न रेज किए गए बाकी जो चार सीनियर मोस्ट जज थे उनके द्वारा। और पांचवा सबसे एनॉयड जो केस था वो बीएम लोया का मिस्टीरियस डेथ थी, जिसके संबंध में जो बाकी सीनियर मोस्ट जज चाहते थे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो बड़ी बेंच है उसके द्वारा किया जाए, लेकिन इसे कोर्ट नंबर 10 को सौंप दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। इस पर कंसर्न रेज किए गए सभी जो पांच जज थे उनके द्वारा। अभी जो आर्टिकल है वो ये कहना चाहता है कि आर्टिकल जो 124 है, आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल पार्लियामेंट बाई लॉ प्रिस्क्राइब अ लार्जर नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस ओरिजिनल। देखिए, शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में चार जजेस हुआ करते थे, बाद में इसे बढ़ाकर अभी 30 कर दिया गया है। तो ये तो बात हुई आर्टिकल 124 की, मतलब आर्टिकल 124 जो है वो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं और बाकी जजेस के बारे में बात करता है। इसके अलावा आर्टिकल 145 कहता है कि कोई भी रूल्स या प्रोसीजर्स प्रैक्टिसेस तैयार करनी है तो ये कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 145 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई सोल अथॉरिटी नहीं दी गई है, बल्कि अथॉरिटी पूरे कोर्ट को दी गई है। स्पेशल पावर कोई भी चीफ जस्टिस को नहीं है, लेकिन कन्वेंशन हमारे यहाँ ये रहा है कि सीजीआई ही मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं जो केसेस को अलोकेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन देखिए, मोस्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स में भी यही होता है कि जब भी चीफ जस्टिस किसी केस को एलोकेट कर रहे होते हैं तो वो बाकी जजेस से कंसल्ट करते हैं, और नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पे भी जब ऐसा कुछ काम होता है तो बाकी जजेस से कंसल्ट किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर अगर रिफ्ट आ रही है तो ये समस्या का विषय है। सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं 2013 के, जिसको आर्टिकल 145 के तहत ही फ्रेम किया गया है, उसमें ये साफ किया गया है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे उसका जो अधिकार होगा वो रजिस्ट्रार के पास होगा। ऑर्डर 3 जो है रूल 7 और 8 का, उसमें बातें बताई गई हैं, इतना स्पेसिफिकेशन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ होती है कि हाँ, जो काम रजिस्ट्रार करेंगे वो कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंकरेंस के साथ करेंगे, उनके डायरेक्टिव्स को फॉलो करेंगे, बट इससे ये साफ होता है कि सोल अथॉरिटी सीजीआई की नहीं है। और इन्हीं सारी बातों के बैकग्राउंड में जो शांति भूषण है, जो कि फॉर्मर लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसे मास्टर ऑफ द रोस्टर पिटीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इसी मुद्दे पर चर्चा की गई थी। हालांकि बाद में इस पूरी पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया दो अर्लियर जजमेंट का हवाला देते हुए, लेकिन मुद्दा यह है कि जिन जजमेंट का हवाला दिया गया है वो दो के दोनों जजमेंट सीजीआई द्वारा ही हेडिट किए गए थे। ठीक है, आर्टिकल कंक्लूड करते हुए ये कहता है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को खो दिया जहां पर जो सीजीआई थे वो केसेस के अलोकेशन के संबंध में ट्रांसपेरेंसी ला सकते थे और पूरे प्रोसेस को डेमोक्रेटिक तरीके से रेगुलेट कर सकते थे। एक व्यक्ति के अंदर अगर पावर्स का कंसंट्रेशन होता है तो इसके कंसिक्वेंसेस किसी भी तरीके से हमारी डेमोक्रेसी के लिए और लोगों के अधिकारों के लिए अच्छे नहीं माने जा सकते। ये पूरा आर्टिकल हमने देखा। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, Disagreement between executive and judiciary is common, but the internal rift in the judiciary is far more serious and it poses the risk of damaging the image of the judiciary and poses a serious threat to democracy. To what extent do you agree with this statement? 200 शब्दों में इस क्वेश्चन को आप रिप्लाई करने की कोशिश करिए। अगला आर्टिकल है क्योर दैट एंड्योर्स। पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए हेल्थ वाले सेक्शन से। आइए देखते हैं आर्टिकल में क्या है। देखिए, इस मंडे को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चेताया है कि अगर उन्हें हॉस्पिटल बनाने के लिए लैंड सब्सिडाइज रेट पर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है तो उन्हें फ्री ट्रीटमेंट देना होगा उन पेशेंट्स को जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, EWS सेक्शन से बिलोंग करते हैं। इस मुद्दे पर देखिए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है वो जस्टिफाइड है और सही है। फैक्ट ये है कि ऐसा पहली बार नहीं किया गया है जुडिशरी के द्वारा। पिछले 11 सालों में 3 बार जुडिशरी ने इस मुद्दे पर इंटरवीन किया है
और क्वेश्चंस रेज किए हैं जो हेल्थ केयर एमिनिटीज सिटी में दी जा रही हैं उनकी मॉनिटरिंग पर। इशू इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली आर चूजन डेस्टिनेशन फॉर हेल्थ केयर सीकर्स फ्रॉम स्टेट्स लाइक यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब एंड बिहार। ये मुद्दा इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, वहाँ से लोगों की पहली प्रायोरिटी दिल्ली होती है अगर वो किसी भी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम में होते हैं। तो वर्डिक्ट इस बात को भी अफर्म करता है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट ने रूल्स इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए थे, जो तैयार किए गए थे, जिसके तहत हॉस्पिटल्स जो सब्सिडाइज लैंड पर रन कर रहे हैं उन्हें 10% अपना जो IPD है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट है, और 25% जो OPD है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है, उसमें फ्री फैसिलिटीज देनी होंगी EWS पेशेंट को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पेशेंट्स को। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये IPD और OPD क्या होता है। देखिए, IPD इन पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है, कई बार किसी पेशेंट को इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। अगर वो एक नाइट स्टे लेता है हॉस्पिटल में तो वो जो उसका क्योर होता है उसे IPD कैटेगरी में रखा जाता है। समटाइम्स यू विजिट हॉस्पिटल जस्ट टू टेक मेडिसिन और कंसल्ट डॉक्टर्स, तो इस प्रोसीजर को OPD कहा जाता है। इसीलिए देखिए, OPD में 25% रखा गया है, IPD में कम रखा गया है, 10% रखा गया है, बिकॉज इन केसेस में एडमिशन लिया जाता है जो पेशेंट्स होते हैं उनका। तो IPD और OPD का मतलब आपको पता चल गया है, ठीक है। देखिए, रूल्स को यूं तो 2001 में ही नोटिफाई कर दिया गया था, लेकिन अभी भी ये जस्ट पेपर पर ही हैं। 2007 में इसी बात को संज्ञान में लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उनकी फंक्शनिंग पर रोक लगा दी थी बिकॉज वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो पेशेंट्स थे उनको फ्री क्योर नहीं दे रहे थे। देखिए, इस मुद्दे को चैलेंज किया गया था जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि 2011 में एपेक्स कोर्ट ने भी इस बात को दोहराया कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते और उन्हें गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्योर देना ही होगा। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज का डेटा बताता है कि 30% जो बेड्स रिजर्व किए गए थे गरीब जो लोग हैं उनके लिए फ्री क्योर के लिए, वो 7 सालों से लगातार खाली ही पड़े रहे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद भी। एपेक्स कोर्ट ने अभी जो रिस्पॉन्स किया है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और गवर्नमेंट को दोनों को ही सीरियसली लेना होगा। एपेक्स कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो हॉस्पिटल्स की वर्किंग है उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और जो दिल्ली गवर्नमेंट को उन्होंने डायरेक्ट भी किया है कि वो इस ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए एक रिपोर्ट भी फाइल करें। कंक्लूजन में कहा गया है कि देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है ये डेफिनेटली शॉर्ट टर्म है, हमें एक लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म तैयार करना होगा जिसके जरिए हम मॉनिटर कर सकें कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इन रूल से कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमें एक मैकेनिज्म अपनाना चाहिए, दैट इज़ ऑनलाइन सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग। ये हमने शुरू भी किया था 2015 में लेकिन बाद में हमने इसको बंद कर दिया, तो हम इसे फिर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम पेशेंट वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति भी कर सकते हैं जो इस बात का ध्यान रखे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो पुअर लोग हैं उनको क्योर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अगला आर्टिकल देखते हैं, इंडिया एंड द कोरियन ड्रीम्स। पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग वाले सेक्शन से। देखिए, ये है चाइना, इसके नीचे यहाँ पर है नॉर्थ कोरिया और यहाँ पर है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया विद द कैपिटल प्योंगयांग एंड साउथ कोरिया विद द कैपिटल सियोल। और अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए जो नेबरिंग वाटर बॉडीज हैं, दैट इज़ येलो सी, सी ऑफ जापान, यहाँ पर है पैसिफिक ओशियन, ये जापान है, ठीक है, और यहाँ पर है साउथ कोरिया जिसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, हमने देखा कि काफ़ी लंबे समय से क्राइसिस चल रहा था पूरे कोरियन पेनिनसुला में, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में काफ़ी दिक्कतें चल रही थी। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और USA के बीच में भी काफ़ी कहासुनी चल रही थी, धमकियाँ चल रही थी। बट अल्टीमेटली अभी एक मीटिंग आयोजित की गई सिंगापुर में जिसमें मुलाकात की किम जो उन ने प्रेसिडेंट ट्रंप से, एक अच्छा सा एजेंडा तैयार किया गया कि जो सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर उन्हें हटा लिया जाएगा। और नॉर्थ कोरिया ने इस बात का आश्वासन दिया कि वो पूरे कोरियन पेनिनसुला को डीन्यूक्लियराइज करेंगे और इसके बदले में USA की तरफ से उन्हें सिक्योरिटी की गारंटी भी दी गई। इसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी इम्प्रूव होती नजर आई। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड द नॉर्थ कोरियन लीडर इन्वेस्टेड फार टू मच पॉलिटिकल कैपिटल टू वॉक अवे। सही बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप और किम जो उन हैं उन लोगों ने बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट किया है, अपने पुराने अप्रोच को बदला है, अपने डिसएग्रीमेंट को दूर फेंका है और फिर इस टर्बुलेंस के माहौल में दोनों लोगों ने हाथ मिलाया और चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश की। कुछ लोगों के मन में ये भय है कि क्या ये जो बातें की गई हैं या सच में ट्रांसलेट हो पाएंगी प्रैक्टिस में, क्या सच में इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। कुछ भी हो, लेकिन जो बातें हुई हैं और उसके बाद जो पीस का प्रयास किया गया है उस एफर्ट को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन
कोरियन पेनिनसुला जो कि इतना ज़्यादा वल्नरेबल बना हुआ था, इस पूरी सिचुएशन को इम्प्रूव करने में, बेहतरी लाने में एक व्यक्ति ने बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया है और उनका नाम है साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे इन। मून जे इन जो कि इस समय 4 दिनों की इंडिया के विजिट पर हैं, उन्होंने इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अपना कन्विक्शन दिखाया और पीस को मेंटेन करने का प्रयास किया और उनके डिप्लोमेटिक मूव्स के जरिए ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो दूरियां थी वो कम हुई। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना इनिशिएटिव लिया तो सिचुएशंस 7 डिकेड्स से जो बहुत ही बद से बदतर बनी हुई थी उनमें थोड़े से सुधार आने की संभावनाएं दिख गई। इसके पहले आइए देखते हैं कि पास्ट में क्या हो चुका है। हालांकि मून जे इन की अभी इंडिया की जो विजिट है वो इंडिया के लिए एक पॉसिबिलिटी ऑफर करती है कि इंडिया और साउथ कोरिया आपस में इंगेजमेंट कर सकते हैं। देखिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और उसके बाद कोरियन वॉर स्टार्ट हुआ तो इंडिया ने एक बहुत ही की रोल प्ले किया कि कोरियन पेनिनसुला में थोड़ी सी स्टेबिलिटी मेंटेन हो, वहाँ पर पीस प्रोसेस बने। इंडिया उन कुछ कंट्रीज़ में से था जिसने कोल्ड वॉर के समय में भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश की। वैसे देखिए, जो नॉर्थ कोरिया था वो एक कम्युनिस्ट कंट्री थी जिसको सपोर्ट मिल रहा था पूरे कोल्ड वॉर के पीरियड में फॉर्मर USSR और चाइना के द्वारा। लेकिन 1991 में जब USSR का विघटन होता है और कोल्ड वॉर की समाप्ति होती है, उसके बाद जो उसका सक्सेसर था रशिया और चाइना, ये लोग आपस में मिल जाते हैं और अपना इंगेजमेंट बढ़ाते हैं साउथ कोरिया के साथ। अब इस सिचुएशन में जो नॉर्थ कोरिया था वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करता है और फिर अपने आइसोलेशन के अल्टरनेटिव के तौर पे, अपनी सिक्योरिटी के इंश्योरेंस के तौर पे और कम्युनिस्ट अलाइज का जो उसका साथ छूट चुका था उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने फैसला किया कि वो अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करेंगे। और इनकी इसी क्वेस्ट ने पूरे कोरियन पेनिनसुला में इंस्टेबिलिटी का माहौल क्रिएट कर दिया। और जब नॉर्थ कोरिया ने अपने इस इशू पर कन्वर्जेंस दिखाया पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया के साथ भी रिलेशंस नॉर्थ कोरिया के थोड़े से बिटर हो गए। ठीक है, लेकिन इंडिया के रोल के बारे में अगर आप चर्चा करें तो आज देखिए इंडिया एक अच्छी पोजीशन में है कि वो पूरे कोरियन पेनिनसुला में एक अच्छा इंगेजमेंट कर सकता है पीस को मेंटेन करने के लिए। और अभी जो मून जे इन की इंडिया में विजिट है, देखिए बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं कि इतनी बातचीत होने के बाद भी कोरियन पेनिनसुला में स्टेबिलिटी आ पाएगी, लेकिन जो इंडिया का पब्लिक सपोर्ट है, ओपिनियन है, वो ऐसा मानता है कि नहीं, पीस मेंटेन किया जा सकता है और ये एक अच्छा मैसेज हो सकता है इंडिया की तरफ से कोरियन पेनिनसुला के लिए। और यहाँ पर देखिए, ये सच्चाई है कि इंडिया के बहुत ही लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं कोरियन पीपल के लिए कोरियन पेनिनसुला में। और जो कोरिया के ड्रीम्स हैं वो इंडिया के साथ काफ़ी कन्वर्ज होते हैं। देखिए, एक कोर इशू है कोरियन पेनिनसुला में, दैट इज़ द यूनिफिकेशन ऑफ पेनिनसुला, जो कि पहले काफ़ी बड़ा और अच्छा गोल हुआ करता था। हाल के समय में जो प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ी उसमें ये जो गोल था वो कहीं ना कहीं फेड हो गया, लेकिन फिर भी अभी मून जे इन के जो प्रयास हैं वो एक बार थोड़ा सा इस यूनिफिकेशन को तवज्जो देते हैं और ये जो गोल था इसको थोड़ा सा बल मिलता है। उनके प्रयासों से ही पॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कम हो सकी हैं, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन कम हुआ है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बढ़ा है। वे फॉरवर्ड में 3 बातें बताई जाती हैं जो कि मून और मोदी दोनों ही लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहला, तो जो म्यूचुअल पॉलिटिकल निगलेक्ट काफ़ी लंबे समय से चल रहा है उसे कम किया जाए। जैसे कि कोरिया या नॉर्थ साउथ कोरिया की हम बात कर रहे हैं, उनका फोकस ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट एशिया पे रहा है, इंडिया की तरफ उनका फोकस काफ़ी कम रहा है। जबकि अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का फोकस हमेशा इंडो पैसिफिक पे रहा है और कोरिया कभी भी उनकी प्रायोरिटी में नहीं रहा है। हमने वैसे तो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की शुरुआत 1 दशक पहले ही कर दी थी, लेकिन उसे हम प्रैक्टिस में अभी तक नहीं ला सके हैं। पॉजिटिव बात यह है कि मून जे इन ने अभी हाल ही में न्यू सदर्न पॉलिसी अनाउंस की है जो कि कन्वर्ज हो सकती है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ और हम अच्छी तरीके से कन्वर्ज हो सकते हैं साउथ कोरिया के साथ। दूसरी बात, हमें चाहिए कि हम अर्जेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करें, तभी हम आगे एक साथ बढ़ पाएंगे। दोनों देशों में जो इनोवेशन का इकोसिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। और फाइनली, दोनों ही देशों को चाहिए कि वो सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन के फील्ड में जो अपने रिलेशंस हैं उनको एक्सपेंड करें और कोऑपरेट करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा। इंटरव्यू के लिए देखते हैं, डू नॉट क्रिटिसाइज। देखिए, आपको क्रिटिसाइज किसे नहीं करना है, कभी भी अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर को क्रिटिसाइज ना करें। आपने कोई जॉब क्यों छोड़ी, क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था या फिर वहाँ पर माहौल अच्छा नहीं था, आप सेटअप नहीं कर पाए, ऐसा क्रिटिसिज्म आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स इट पोज अ नेगेटिव रिमार्क टूवर्ड्स यू टू योर इंटरव्यूअर्स। आपको बहुत केयरफुल होना होता है जब भी आप किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं। और नॉर्मली तो ये माना जाता है कि बिना कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन के आप क्रिटिसाइज करते ही नहीं हैं। आप जब भी क्रिटिसाइज करते हैं तो आप उसका सॉल्यूशन बताते हैं। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल कौन सा है और क्यों है, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट।